सर ना मैं ना लाइफ में मतलब जॉब ना छः सात जगह कर चुकी हूँ मेरी लाइफ शायद अनलकी हुई है आई डोंट नो बट ना चार पाँच महीने मैं वहाँ रहती हूँ फिर मतलब या तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उन्हें तो मुझे निकलना पड़ जाता है वहाँ से और एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट जॉब का मैंने दिया है वहाँ भी मेरे साथ ना कुछ अनलकी टाइप का ही सीन हुआ है तो मैं ना लाइफ में सोच रही हूँ कुछ खुद का करने का तो मैं अपने गांव में मैं बेसिकली बिहार से हूँ अपने गांव के साइड में ना कॉस्मेटिक का करना चाहती हूँ मैंने देखा है गांव में बहुत ही मतलब उसका कोई ब्रांड नहीं होता है और दाम उससे कम से कम दस गुना ज़्यादा वहाँ पे लिया जाता है तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे करने का तो पैसे के लिए जो होता है बेसिकली मैं लोन ले करूँ या खुद का जो सेव किया है वो करना बेटर रहेगा आपको लोन कोई क्यों देगा उसके पीछे कोई सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी क्या कोई, कोई सिक्योरिटी है, है, हाँ तो नहीं तो वही वो देख रहे हैं इस वक्त आपको वीडियो में। <laughs> उनका घर गिरवी रखने की आप बात कर रहे हो उनका क्या रिएक्शन आएगा जब वो कमा के अगर तो मैं उनका फिर रिटर्न कर दूंगी ऐसा ना आए तो हाँ तो सब वही रिस्क तो वो प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को और प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी तो मुझे ऐसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं क्योंकि मैं नहीं लेना ले... चाहिए <laughs> तो अपना सेविंग सेविंग्स कितनी है आपके पास में सर मेरे पास डेढ़ दो लाख का है डेढ़ दो लाख रुपए है हाँ अभी

क्या वहाँ पे आप छोटी सी शॉप ओपन करेंगे फिर वहां से आप काम करेंगे कैसे करेंगे हाँ पहले शॉप ओपन करके फिर आ, नाम बढ़ाना है कि हाँ ये चीज सही है लोगों को बताना कि ये चीज कम रेट में दे और सही चीज देना प्रोवाइड करना है वहाँ पे रेंट कितना है शॉप का दस तक इट्स अ वेरी गुड आइडिया आई मस्ट से दैट देखना ध्यान से सुनना ध्यान से समझना ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आप एंटर करने के बारे में सोच रहे हो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है

ओपन करनी है हो सकता है अभी आप दस हजार रुपए सोच रहे हो तो और सस्ती भी आपको मिल जाए अगर आप सही चीज दोगे तो वो काम अपने आप चलेगा देखो ध्यान से समझो मेरी इस बात को ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स हैं इतने हैं जितने आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो छोटे हैं जिनका नाम इतना नहीं है क्वालिटी बहुत अच्छी है एज गुड एज ब्रांडेड उनका प्राइस कम है और मार्जिन बहुत ज्यादा है आपके लिए अगर कोई प्रोडक्ट आपको होलसेल में मिल रहा है तीस रुपए का तो मार्केट में बिकता है दो सौ से तीन सौ रुपए का हाँ जी हाँ जी। अगर और शॉप पे वहां पे ढाई सौ तीन सौ का मिल रहा है तो आप भी मान लो उससे थोड़ा सा कम करके बेच रहे हो वहां ढाई सौ का है तो आप दो सौ का बेच रहे हो लेकिन साथ में कुछ एडिशनल दे दो कि आप ये लेंगे तो इसके साथ में ये फ्री है जैसे आप लोगों ने जूस पिया होगा किसी ना किसी दुकान पे जाकर के आपने कहा कि भैया जूस दे दो तो उसमें ज्यादा मजा किसमें आता है कि आपने बीस रूपए दिए उसने आपको जूस दिया आपने पी लिया या फिर जब एंड में थोड़ा सा आप पूरा पी लेते हो और वो कहता है थोड़ा सा और है ले लो yes, उसमें मजा आता है, नहीं आता है yes, sir, yes, sir. और उस दुकान पे आप बार बार जाते हुए नहीं जाते हो और क्या आपने माइंड में हिसाब लगाते हुए नहीं लगाते हो और आपको खुद भी नहीं पता लगता सबकॉन्शियसली आप बार बार उसी दुकान पे जाते हो तो आप अपना जो पूरा का पूरा जो प्लान है वो बनाओ फ्री के बेस पे यानी कुछ फ्री बीज दो कुछ ऐसी जो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट होती हो कि अगर एक फीमेल एक पर्टिकुलर शेड की लिपस्टिक ले रही है तो उसको बोलो इसके साथ में आप इनमें से इन दस में से कोई भी एक और चूज कर सकती है ये इसके साथ में ऑफर चल रहा है तो आपकी यहां पे कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहेगा बाय वन गेट वन फ्री दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर प्लेयर्स ये आपको अलग कर देगा बाकी सबसे अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और सर जो अनलकी वाला सीन है मेरे साथ होता रहता है उसको रिस्क लेना चाहिए या ये जो अनलकी वाली आप बात कर रहे हो आप एक्चुअल में अनलकी नहीं हो सर कहीं भी मतलब सही से जॉब नहीं कर पाई ना तो अनलकी पाँच छह महीने तो अच्छा हुआ ना अगर जॉब कर लेते तो आज यहाँ पर आकर के मेरे से डिस्कस नहीं कर रहे होते ना हाँ ये भी सोचो <laughs> तो ये जो गलत फहमी है अपनी उसको कभी भी अपने माइंड में मत बैठने देना मेरी इस बात को याद रखना लाइफ में हमेशा चाहे आप कुछ भी कर रहे हो नेवर से यू आर अनलकी ऑलवेज से यू आर लकी बिकॉज फिर आपका दिमाग सही डायरेक्शन में चलेगा द मोमेंट यू स्टार्ट आई एम सेनलकी अब कुछ भी नया करने से आपको डर लगेगा कि मैं ये करने तो वाली हूं लेकिन आज तक सब गलती हुआ है मेरे साथ में तो अभी गलती होने वाला है नेवर से दैट ऑलवेज से आई एम लकी थैंक यू सर फिर क्या होगा कि जो भी आपके फेलियर्स हुए हैं पास में जिसको आप फेलियर कह रहे हो जो एक्चुअल में फेलियर नहीं है क्योंकि आपने जो पांच छह जॉब करी तो आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिली ना अलग अलग लोगों से डील करना आया ना तो आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उस इंसान से जिसने एक ही जगह पर जॉब करी है एक जगह पर जाना चाहे वो जॉब हो चाहे कोई भी जगह हो जहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं और वहां पर अपनी जगह बनाना ये कोई आसान काम नहीं होता है आपने यह काम पांच बार करा है इसका मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या लोगों के साथ में मिल करके चलने की स्किल्स है, वो बहुत अच्छी है अगर प्रॉब्लम हुई भी जो आपने कहा कि पास में प्रॉब्लम हुई तो वो आपके सीनियर्स के साथ में हुई ना जो आपके लेवल पे लोग थे क्या वहां पे प्रॉब्लम हुई नहीं।, नहीं हुई तो व्हाट दैट मींस इज कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है यानी लोगों से बात करने की उनके साथ में मिल करके काम करने की वो बहुत अच्छी है मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा yes, तो ये सारी स्किल्स जरूरी है इस काम को करने के लिए जिस काम को करने के बारे में आप सोच रहे हो बट मजे की बात क्या है कि आपके अंदर वो स्किल्स है लेकिन आपको पता नहीं है आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं लेकिन आपको पता नहीं है आप मुझे बस इतना सा बताओ कि अगर आप अपने गांव में जाते हो ये शॉप ओपन करते हो वहां पे जो लेडीज आती हैं तो क्या आप उसको सही से गाइड कर सकते हो जी, जी। कोई वहां पे घपला तो नहीं करोगे चोरी चकारी तो नहीं करोगे ईमानदारी से करोगे से। तो फिर वो काम क्यों नहीं चलेगा अपने ऊपर देखो, अगर आप एक एक्सपायरी डेट देखना उनको सिखा रही है अगर उनको नहीं पता है तो उनको एजुकेट कर रही है साथ में कुछ फ्रीबीज भी दे रही है और फ्रीबीज इन सेंस कि एक तो वो जो एक्चुअल में बाहर लिखा हुआ है कि बाय वन गेट वन फ्री और एक वो वो जो जूस वाली मैंने अभी बात करी थी कि साथ में छोटा सा ट्रायल पैक वो फ्री में मिलेगा आपको मतलब जो कंपनीज होती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल देती है तो वो फ्री सैंपल्स आप बांट दोगे उनमें कि आप इसको भी ट्राई करना इसको भी करना इसको भी करना वो कहेंगे अच्छा इसके कितने पैसे कोई पैसे नहीं है फ्री है तो बेसिक साइकी आपने पकड़ ली लोगों की और अगर इस तरह से आप कर पाओ और आपका नाम चल जाए वहां पे उस एरिया में तो एक शॉप आज है आपके पास में बट कल एक से दो होने में टाइम नहीं लगेगा उस शॉप को बड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है वहां पे मार्जिन बहुत अच्छा है तो पैसा हाँ तो बहुत कमाया जा सकता है हाँ जी और अगर आपको आइडिया लेना है ना कि कितना पैसा कमाया जा सकता है तो जो शॉप ऑलरेडी वहां पर है वहां पर जाकर के दो तीन दिन के लिए साइड में बैठ जाओ किसी का आपके मिलने वाले का घर होगा कुछ होगा वहां पे बैलकनी में अपना एक दूरबीन लेकर के देखते रहो और पेपर पेन लेकर के लिखते रहो कि कितनी फीमेल्स वहां पर अंदर गई कितनी खाली हाथ बाहर आई और कितनी जो बाहर आई उनके हाथ में थैला था तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एक दिन में 30-40 लेडीज आती हैं, जिसमें से 10 से 15 कुछ ना कुछ खरीद करके जाती हैं। अगर 10 ने भी कुछ खरीदा और मान लो एवरेज पांच रुपए का भी खरीदा तो दस, पांच सो इन रुपए एक दिन का उसमें उनका मार्जिन कितना है सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट बट मैं मान लेता हूं आने जाने का खर्चा है ट्रैवल है ये है वो है तीस परसेंट तो कितना हो गया पंद्रह सौ रुपए एक दिन का महीने का कितना हो गया पैंतालीस हजार रुपए ये प्रॉफिट है सेल है डेढ़ लाख की प्रॉफिट है पैंतालीस हजार रुपये महीना और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अच्छे से प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हो

आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहाँ जा के शॉप ओपन करते तो वहां पर जो लेडीज़ हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो हाँ जी ये भी एक स्किल है जैसे लोग जर्मन सीखते हैं स्पेनिश सीखते हैं क्यों सीखते हैं ताकि उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होती है या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है तो इसकी बहुत वैल्यू है आप वहीं के हो लोग आपको जानते हैं उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो जेन्यून काम कर रहे हो और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा है तो ये काम क्यों नहीं चलेगा थिंक अबाउट इट इसमें ज्यादा पैसा मत लगाओ शुरू में कम से कम लगाओ यानी इंटीरियर में और बाहर बोर्ड लगाने में स्टॉक रखने में भरो मत दुकान को पूरी तरीके से सिर्फ वही चीजें रखो जो बेस्ट सेलिंग है यानी जो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है एट्टी ट्वेंटी रूल को समझो कोई भी बिजनेस हो एट्टी परसेंट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स तो शुरू में इसी पे फोकस करो यानी जब आप यहां पर किसी होलसेल मार्केट में जा रहे हो तो उनसे पता करो कि कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं तो अगर कोई एक दुकान वाला आपको बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो बट अगर दस दुकान वाले सेम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस, उस, उस कस्टमर भी जा सकते हो इस तरह से आप चीजों को बारीकी से समझ सकते हो जब एज कस्टमर जा रहे हो वहां से पांच सात का को कोई सामान आपने ले भी लिया तो बात भी तो करोगे आधा एक घंटा तुमसे सारा समझोगे अच्छा ये क्या होता है वो क्या होता है वो क्या होता है कौन सा बिकता है कौन सा नहीं बिकता है कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम वो तो बताएंगे ही अब आप कस्टमर हो उनके तो आपने सारी रिसर्च कर ली उस दुकान के ऊपर भी और वहां से कितने कस्टमर्स निकल रहे हैं उसकी कितनी सेल हो रही है कितना प्रॉफिट है आपको सब पता है अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो अगर बिना ये सब करे आप एकदम से जाकर के एक शॉप ओपन कर दोगे तो वो चलने के चांसेस कम है बट अगर ये सब कुछ समझ करके कि आपने पास में जो किया वो एक तरीके से डॉट्स हो गए उन सारे डॉट्स को आपने कनेक्ट किया इससे जो अब आप करने वाले हो और अपने बोला अच्छे से करोगे तो काम चलेगा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा क्योंकि अब ये काम पूरी तरह से आपके हाथ में है जो पीछे चार पांच जॉब आपको बदलनी पड़ी वो आपके हाथ में नहीं थी क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे यहां पर तो आप ही ना आप अकेले उस शॉप को चलाओगे ना शुरू में तब तो पूरी तो तरह से आपके हाथ में है तो आप ये बोल सकते हो ना अपने आप को कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगी तो क्यों नहीं चलेगा विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज है